आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से दो शेयर के बारे में बात करने वाला हूं। एक होगा लार्ज कैप एंड दूसरा होगा स्मॉल कैप, जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन कौन सा शेयर है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि फाइनेंशियली वो पर्टिकुलर कंपनी कैसा है, तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे निवेश करने से पहले। यहाँ पे मेरा सबसे पहला शेयर है जिसका नाम है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस एक लार्ज कैप कंपनी है और साथ ही साथ कंपनी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ दिखा जाता है, और कंपनी मार्केट डिमांड के साथ साथ अपना प्रोडक्ट भी यहाँ पे एक्सपेंशन करता है। कंपनी रियल एस्टेट के साथ साथ कंपनी इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, हॉस्पिटलिटी, इवन प्लांटेशन के अंदर भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसके साथ जुड़े हुए हैं। कंपनी के प्रेजेंस की बात करें तो 29 स्टेट के अंदर कंपनी का प्रेजेंस है, और कंपनी का एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट देखेंगे तो यहाँ पे 187 टन्स का गोल्ड ज्वेलरी एज अ सिक्योरिटी पड़ा हुआ है। साथ ही साथ मुथूट फाइनेंस का 4600 से भी ज़्यादा ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगा, और एवरी डे 2 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे कस्टमर ये अटेंड करते हैं। कंपनी के अंदर टीम मेंबर्स देखेंगे तो वो 26,000 से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। कंपनी ने एसेट अंडर मैनेजमेंट आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ही सरप्राइज करेगा, क्योंकि कंपनी 5,80,532 मिलियन रुपीज़ का अपना एसेट अंडर मैनेजमेंट कंटिन्यू करके चल रहा है। मुथूट फाइनेंस का जियोग्राफिकल प्रेजेंस आप देखें तो साउथ से कंपनी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस दिखाई जाता है, जहाँ से 60% ये पर्टिकुलर कंपनी रेवेन्यू अर्न करते हैं। साथ ही साथ नॉर्थ की बात करें तो वहाँ पे 17% एंड ईस्ट के अंदर यहाँ पे करीब करीब 7% और वेस्ट के अंदर 16% का रेवेन्यू कंपनी अर्न करते हैं। जब रूरल एरिया कैप्चर करने की बात करें तो मुथूट फाइनेंस वहाँ पे 65% का मार्केट शेयर होल्ड करके रखा है। कंपनी के साथ 70 करोड़ यहाँ पे सेटिस्फाइड कस्टमर आपको देखने को मिलेगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। मुथूट फाइनेंस का कुछ कंपटीटर की बात करें तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, HDFC, AMC जैसे कंपनी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मुथूट फाइनेंस का PE की बात करें तो यहाँ पे दूसरे जो कंपटीटर है उससे ये कम PE में देखने को मिलेगा। तो रिसेंट कंडीशन में कंपनी के ऊपर जो PE है वो 11.2 को आपको देखने को मिल सकता है, और मुथूट फाइनेंस ने कोई भी अपना शेयर प्लेज में नहीं रखा है। कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो वो 49,811 का आपको देखने को मिलेगा। एज अ फाइनेंस कंपनी ये नॉर्मल माना जाता है। साथ ही साथ कंपनी के पास 17,943 करोड़ का नेट कैश भी मौजूद है। अगर आप कंपनी को फाइनेंशियली भी देखते हैं तो ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर एज अ देखा जाता है, और कंपनी डिविडेंड भी पे करते हैं। 2011 जहां पे कंपनी 2,300 करोड़ का सेल करता था वो बढ़ के 11,000 करोड़ तक पहुंच गया है विद इन 10 ईयर्स। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट देखेंगे तो जहां पे 500 नेट प्रॉफिट हुआ करता था 2011 में, वो यहां पे 8 गुना हो गया है विद इन 10 ईयर्स। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस पर्टिकुलर कंपनी ने आज 5 साल के अंदर अपना जो पैसा है उसको 3 गुना करके दिखा चुका है। साथ ही साथ कंपनी का ऑनलाइन प्रेजेंस की बात करें तो वहां पे भी 33.8% ऑनलाइन कामकाज अभी के हिसाब से देखा जाता है। अगर आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो वो भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि 73% से भी ज्यादा प्रोमोटर्स ने इस कंपनी के अंदर होल्डिंग रखा है। साथ ही साथ FIIs एंड DIIs ने भी अच्छा खासा एक होल्डिंग मुथूट फाइनेंस के अंदर रखा है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करते हैं तो वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए ही आपको निवेश करना चाहिए। हालांकि ये लार्ज कैप कंपनी है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा कंपनी माना जाता है। अभी जो दूसरा कंपनी है इसका नाम है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड, और ये पर्टिकुलर कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि कंपनी अभी हाई वैल्यूएशन में मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये पर्टिकुलर कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ये कंपनी काम करते हैं वहाँ पर एक अच्छा मोनोपोली यहाँ पर क्रिएट करता है। इस पर्टिकुलर कंपनी FMCG सेक्टर के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर की काम करते हैं। 30 साल का एक्सपीरियंस भी कंपनी के पास है, और 13 मैन्युफैक्चर प्लांट के साथ 1200 स्टाफ भी इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो 4,347 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर कंपनी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट FMCG मैन्युफैक्चर कंपनी हिसाब से जाना जाता है इंडिया के अंदर। कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी फूड से लेके शू, हेल्थ केयर, अपना पर्सनल केयर, बेवरेजेस, ये पर्टिकुलर सारे कुछ सामान मैन्युफैक्चर करते हैं बड़े बड़े कंपनीज के साथ। अगर आप हिंदुस्तान फूड्स का कुछ क्लाइंट की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, बाटा इंडिया,
टाटा कंज्यूमर, इमामी जैसे बड़े बड़े क्लाइंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर कंपनी करते क्या है, आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं एक बल्क अमाउंट में और बड़े बड़े कंपनीज को उसको सप्लाई करते हैं। और ये बड़े बड़े क्लाइंट इस पर्टिकुलर कंपनी को इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट क्यों देता है, इस पर्टिकुलर कंपनी टाइम टू टाइम अपना जो काम है उसको कंप्लीट करके ही देता है। अगर आप हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड का सेल देखेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज करने वाला है। ये आप क्वार्टरली रिजल्ट आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। 2019 जून में जहाँ पे 145 करोड़ का सेल करता था, वो बढ़ते बढ़ते मार्च क्वार्टर 2022 में 581 करोड़ का सेल किया है। साथ ही साथ कंपनी का ईयरली सेल देखते हैं तो जहाँ पे 2019 में 490 करोड़ का सेल था, वो बढ़ के अभी 2040 करोड़ तक आते हुए देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के अंदर। कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो वो आपको 351 करोड़ देखने को मिलेगा। कंपनी के अंदर रिजर्व कैश 282 करोड़ का है और कंपनी ने कोई भी शेयर प्लेस में नहीं रखा है। डेट इक्विटी आपको देखने को मिलेगा 1 के आसपास। साथ ही साथ आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें वो भी बहुत अच्छा है। रिसेंटली प्रोमोटर्स ने थोड़ा सा शेयर भी यहाँ पे बाय भी किया है, जो 64.85% प्रोमोटर्स यहाँ पे होल्ड करके रखा है। FISDIs ने दोनों ने इस पर्टिकुलर कंपनी ने निवेश करके रखा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक स्मॉल कैप कंपनी ढूंढ रहे थे तो हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड आपके लिए एक चॉइस हो सकता है, लेकिन निवेश करने से पहले प्लीज अपना रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।